365 न्यूज आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। एनजीटी के आदेश के बावजूद भी ठेंगा दिखा रहे हैं बालू माफिया। राजमहल पहाड़ी से निकलकर बरहेट, पटना और बरहरवा प्रखंड क्षेत्र से होकर बहने वाली गुमानी नदी इन दिनों खतरे में दिख रही है। एनजीटी के आदेश के अनुसार झारखंड राज्य के सभी जिलों में बालू घाटों से उठाव वाले को 10 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक रोक लगा दिया गया है। इसके बाद भी बरहेट, पटना एवं बरहरवा के बालू माफियाओं के द्वारा एनजीटी के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए दिन रात बालू घाट से बालू का अवैध उत्खनन कर ट्रैक्टर एवं बड़े वाहनों में ओवरलोड बालू लोड करके पड़ोसी राज्यों में बेचा जाता है। बालू माफिया के द्वारा क्षेत्र के जगह जगह पर सेफ जोन बनाकर बालू का भंडारण किया जाता है, जिससे बालू माफिया स्याही रकम कमाकर मालामाल हो रहे हैं। वहीं बीती रात बुधवार को स्थानीय लोगों द्वारा पटना प्रखंड कार्यालय के सामने ओवरलोड बालू लदा 3 हाईवा को पकड़ा। तीनों हाईवा बरहरवा बरहेट मुख्य मार्ग से बरहरवा की ओर आ रहा। तीनों हाईवा का मालिक बरहेट निवासी निवाई सील का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों के द्वारा गाड़ी को पकड़ने के उपरांत जिला खनन पदाधिकारी साहिबगंज राजमहल एसडीओ के साथ साथ अंचलाधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन को भी सूचना दी गई थी, लेकिन उस स्थान पर कोई भी पदाधिकारी नहीं पहुंचने पर गाड़ी मालिक अपना गाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। जिस तरह से एनजीटी के निर्देश के बाद भी जिस तरह से बालू माफियाओं द्वारा बालू घाटों से अवैध तरीके से बालू का उत्खनन किया जाता है, साफ तौर पर इस कार्य में कहीं न कहीं प्रशासन की मिलीभगत होने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए जिला परिषद अध्यक्ष सह भाजपा नेत्री रेणुका मुर्मू ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। यह तो बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर हम लोग भाजपा वाले कई बार सूचना भी दे चुके हैं और इस पर कार्रवाई करने की भी हम लोगों ने मांग रखी थी। डीसी को भी सूचना दिया गया था, एसपी को भी, और यहाँ तक कि हम लोगों ने डीजीपी से भी इस मैटर पे बात करने की कोशिश की। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये जो हम लोग का बरहेट विधानसभा है, ये 3 ब्लॉक को टच करता है, पटना है, बरहेट है और सुंदर पहाड़ी है। और आप देखेंगे यहाँ से जितने भी अवैध बालू का जो उठाव होता है, ये इन्हीं रास्ते से बहुत अच्छे से पार किया जाता है। प्रशासन को सूचना देने के बाद भी नहीं करते हैं। और सबसे दुखद तो यही है कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र होते हुए भी, मुख्यमंत्री के संज्ञान में देते हुए भी मुख्यमंत्री इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर। ये बहुत ही दुखद है कि प्रशासन इसमें सक्रिय क्यों नहीं है। कई लोगों के माध्यम से, कई संस्थागत लोग भी इस बारे में अफसोस जताते हैं कि जो हमारे जिले में काम हो रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास बनने हैं, शौचालय बनने हैं, किसी तरह के बिल्डिंग बनने हैं, उस पर रोक लगा दिया है क्योंकि अभी बालू उठाव नहीं होना है। लेकिन कुछ लोग, जैसे कि हम कह सकते हैं जो सत्ताधारी पक्ष के कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यवसाय के इसको माध्यम बना लिए हैं और ये गाड़ी को बाहर ले जाने देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है, ये पूरी तरह से उनके संरक्षण में ही ये फल फूल रहा है। खबर 365 न्यूज के लिए बरहरवा से शंभु कुमार के साथ दीपक देशमुख की रिपोर्ट। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।